हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। प्यारे बच्चों, आज अपने करेंगे यूनिट नंबर थर्ड के एमसीक्यू। ये वीडियो आपको थोड़ा लेट मिल रहा है, अपना जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बिजी होने के कारण ये वीडियो पहले अपलोड नहीं कर सके, तो ज़्यादा टाइम ना खराब किए अपने शुरू करते हैं। अपना जो थर्ड यूनिट है उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। इस पूरे सेशन के दौरान, इस पूरे वीडियो के दौरान आपको लगभग 42-43 क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन वो 43 क्वेश्चन जो हैं आपके, वो आपके 100 क्वेश्चन को कवर कर देंगे। आपको बिल्कुल ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है, और बाद में जब आप किसी भी बुक से एमसीक्यू करके देखोगे तो उनको आंसर आपको इजीली जो है इस वीडियो के थ्रू ही उनके मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है उसकी प्रकाशिक अभिक्रिया के स्थल कौन से हैं। तो बच्चों, दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण में, एक प्रकाशिक जिसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, और दूसरा अप्रकाशिक जिसके लिए प्रकाश जो है उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाशिक अभिक्रिया का जो स्थल है वो है ग्रेना, यानी कि हरित लवक के, पर्ण हरित के जो ग्रेना पार्ट है हरित लवक का, उसमें ये अभिक्रिया संपन्न होती है। और अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं, अप्रकाशिक पूछ ले तो स्ट्रोमा आंसर आएगा, प्रकाशिक पूछ ले तो हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, PAR का मान है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए PAR होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस बोलते हैं इसको। अब अपने जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो दृश्य प्रकाश में संपन्न होती है। पादपों को जो प्रकाश मिलता है वो दृश्य प्रकाश होता है, जिसमें से 400 से लेकर 700 nm का जो प्रकाश है, 400 nm टू 700 nm का जो प्रकाश है ये कहलाता है PAR, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो सर्वाधिक रहती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसमें बैंगनी, नीला, लाल ये प्रकाश आते हैं इस रेंज के अंदर, तो उस वैल्यू को कहा जाता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, PAR। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो अपने पास है, एक क्वांटासोम में पर्ण हरित अणुओं की संख्या है। सबसे पहले तो बच्चों पता होना चाहिए कि क्वांटासोम होते क्या हैं। अपने जानते हैं कि जब आप हरित लवक की संरचना देखते हो तो उसमें थाइलेकोइड जो सिक्कों के ढेर होते हैं, उन से एक संरचना जो है, एक इकाई जो है उस ढेर की, उसको थाइलेकोइड कहा जाता है। इस थाइलेकोइड की आंतरिक भित्ति पर सूक्ष्म कण जो लगे होते हैं उन सूक्ष्म कणों को कहा जाता है क्वांटासोम। और यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, प्रकाश संश्लेषण की अगर इकाई पूछ ले आपको कि प्रकाश संश्लेषण की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो है ये क्वांटासोम ही होते हैं। तो अपने से क्वेश्चन पूछा है कि एक क्वांटासोम में पर्ण हरित अणुओं की, क्लोरोफिल अणुओं की संख्या कितनी है, तो ये होती है 230, 230, जिसमें से 160 तो होते हैं क्लोरोफिल ए के और 70 होते हैं क्लोरोफिल बी के। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोटीन का अणु सूत्र है। कैरोटीन सहायक वर्णक होते हैं पर्ण हरित के, जो प्रकाश को, रेडिएशन को अवशोषित करके क्लोरोफिल को देने का काम करते हैं। तो इसका अणु सूत्र जो है ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो बाकी जो तीनों दिख रहे हैं आपको, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो इसका जो फॉर्मूला है, अणु सूत्र जो है वो होता है C40H56। ठीक है, ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। अब इस एक क्वेश्चन से आपके चार क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखो कैसे, जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला C55H72O5N4Mg, ये फॉर्मूला अणु सूत्र है किसका, क्लोरोफिल ए का। ये जो दिख रहा है C55H70O6N4Mg, ये है क्लोरोफिल बी का सूत्र। ठीक है, और ये जो दिख रहा है जिसमें C40H56 और साथ में ऑक्सीजन के दो अणु हैं, ये है जेंथोफिल का। तो चार क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, क्लोरोफिल ए का पूछे तो ये वाला है, बी का पूछे तो ये है जेंथोफिल का जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और ये जो अभी बताया ये आपको किसका है, कैरोटीन का अणुसूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक पर्ण हरित है। सार्वत्रिक पर्ण हरित का मतलब है कि जो सभी प्रकार के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हैं उनमें ये पाया जाता है, तो वो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है वो सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है, यानी सभी पादपों में और दूसरे जो प्रकाश संश्लेषी ऑर्गेनिज्म उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
सभी हरे पादपों में पाया जाने वाला कैरोटीन है। मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल के अलावा पादपों में कैरोटीन, जैंथोफिल ये सहायक वर्णक के रूप में काम करते हैं। तो ऐसा कैरोटीन बताना है अपने को जो सभी हरे पादपों में पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन यूनिवर्सल है, ये सभी प्रकार के हरे पादपों में पाया जाता है। अभी यहाँ से एक क्वेश्चन और कवर होता है आपका। ये जो दिख रहा है आपको ल्यूटीन, ये जेंथोफिल है। क्या है? जेंथोफिल। मैंने अभी बताया आपको कि कैरोटीन और जेंथोफिल जो है ये सहायक वर्णक की तरह काम करते हैं। आपसे पूछा गया है कि यूनिवर्सल कैरोटीन कौन सा है, तो उसका आंसर तो बीटा कैरोटीन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए हरे पादपों में यूनिवर्सल जेंथोफिल कौन सा है, तो उसका आंसर ल्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन अपने पास है। क्लोरोफिल की संरचना का केंद्रीय परमाणु है, यानी कि केंद्रीय भाग में कौन सा परमाणु क्लोरोफिल में उपस्थित होता है, तो ये है मैग्नीशियम। केंद्रीय भाग में पाया जाता है मैग्नीशियम। आपसे किसी भी तरह से एक ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि क्लोरोफिल को जला दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, तो तब भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु जो है क्लोरोफिल का वो मैग्नीशियम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास है। प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम आवश्यकता है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि क्वांटम आवश्यकता होती क्या है। CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए जितने फोटोन की आवश्यकता होती है, फिर से सुनिए, CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए, अपचयन का मतलब है इसमें हाइड्रोजन ऐड करना, यानी ग्लूकोज की जब फॉर्मेशन होगी अप्रकाशीय विक्रिया में, तब एक अणु के अपचयन के लिए जितनी फोटोन की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम आवश्यकता, और ये होती है 8 फोटोन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्वांटम आवश्यकता कहते किसको हैं और होती क्या है, ये 8 फोटोन इसकी वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रंग में, प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर शून्य होती है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा है। ग्रीन, हरे रंग में, क्योंकि ये प्रकाश को अवशोषण नहीं करते, प्रकाश का हरा रंग होने के कारण हरी पत्तियां होती हैं तो वो प्रकाश को क्या कर देती हैं, प्रावर्तित कर देती हैं, तो ये ग्रीन रंग आ जाएगा इसमें। हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास है। PS1 का अभिक्रिया केंद्र है। दो तरह के तंत्र काम करते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, PS1 और PS2। तो PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर का मतलब है बिल्कुल केंद्रीय परमाणु, और जिसके आसपास छोटे छोटे अणु और प्रेजेंट होंगे जो अपना प्रकाश आएगा उसको अवशोषित करके इस केंद्रीय अणु को देने का काम करते हैं। तो अपने से पूछा गया है कि PS1 का अभिक्रिया केंद्र, रिएक्शन सेंटर कौन सा है, तो PS1 का जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो होता है क्लोरोफिल A700। ये PS1 का है। और यही एक क्वेश्चन और, अगर आपसे पूछ लिया जाए PS2 का अभिक्रिया केंद्र कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल A680। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके, PS1 का पूछे तो A700 क्लोरोफिल ए, और सेकंड का पूछे तो क्लोरोफिल A680 वहां पर अभिक्रिया केंद्र की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि फोटोफॉस्फोरिलीकरण की खोज किसने की थी, तो ये एक साइंटिस्ट का नाम बताना है, तो ये है आर्नर ने। फोटोफॉस्फोरिलेशन या फोटोफॉस्फोरिलीकरण की जो खोज है वो आर्नर ने की थी। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फैक्ट है सीधा, साइंटिस्ट का नाम है तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ एक नाम दिया हुआ है और, वारबर्ग, इसके बारे में सुन लीजिए। ये क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है और जो आपके शॉर्ट आंसर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे उनमें भी मिल सकता है आपको, वेरी शॉर्ट आंसर में। वारबर्ग ने बताया था, वारबर्ग प्रभाव दी बताया था इसने, और वारबर्ग प्रभाव क्या होता है, इसने कहा था कि O2 की प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो संदमित होती है, उस पर प्रभावित होती है, कम हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की दर O2 की प्रेजेंस में, जो आप फोटोसेशन वगैरह पढ़ते हो, तो O2 की प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण की का स्नबित होना ये कहलाता है वारबर्ग प्रभाव, और ये बताया किसने था, वारबर्ग ने बताया था। फिर से, O2 की प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संदमित होना ये वारबर्ग प्रभाव कहलाता है, और ये बताने वाला साइंटिस्ट भी वारबर्ग था, अपने नाम से ही इसने ये दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बच्चों अपने पास है वो है, O2 का निष्कासन संबंधित है, यानी कि जो आपको ऑप्शन दिए हैं दो, इनमें से किस में O2 जो है वो निष्कासित होती है, O2 निकलती है। एक अपने पास दिए हुए चक्रीय, अचक्रीय, उपरोक्त दोनों में निकलती है या इसमें से किसी में नहीं निकलती, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
O2 का निष्कासन जो है वो अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलीकरण से संबंधित होता है। दो तरह के फास्फोरिलीकरण होते हैं, एक चक्रीय होता है और एक अचक्रिय होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे, चक्रीय फास्फोरिलीकरण, प्रकाश फास्फोरिलीकरण और अचक्रिय फास्फोरिलीकरण में अंतर पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। इसमें से दो तीन आपको बता देता हूँ। अभी आपको बताया था दो तरह के सिस्टम काम करते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में सिर्फ और सिर्फ पीएस फर्स्ट भाग लेता है, जबकि अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के अंदर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड ये दोनों भाग लेते हैं। पहला अंतर तो ये हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। पीएस फर्स्ट के अंदर O2 का निष्कासन नहीं होता, किसी प्रकार की कोई O2 का निर्माण नहीं होता, जबकि अभी बताया आपको कि O2 का निष्कासन किससे संबंधित है, अचक्रिय, तो यहाँ आ जाएगा O2 का निष्कासन होता है, ठीक है। पीएस फर्स्ट के अंदर NADPH2 जो स्वांगीकरण शक्ति है, इस ऊर्जा का निर्माण कहीं पर भी नहीं होता। ATP की फॉर्मेशन होती है लेकिन NADPH2 की फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि अचक्रिय जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है इसमें NADPH2 का निर्माण होता है। एक अंतर और कर सकते हो, इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता चक्रिय वाले में, जबकि इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन, जो पिछले वीडियो में बताया था कि जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए मैग्नीज और क्लोराइड आयनों की आवश्यकता होती है, तो वो जल का प्रकाशीय अपघटन जो है वो अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। सबसे पहला, O2 का निष्कासन किससे संबंधित है, अचक्रिय से। चक्रीय और अचक्रिय फास्फोरिलीकरण में कुछ अंतर भी बता दिए। चक्रीय में सिर्फ पीएस फर्स्ट भाग लेता है, जबकि अचक्रिय में दोनों भाग लेते हैं। यहाँ O2 का निष्कासन नहीं होता, यहाँ O2 का निष्कासन होता है। इसमें NADPH2 का निर्माण नहीं होता चक्रीय में, जबकि इधर NADPH2 का निर्माण होता है। यहाँ जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता, जबकि इधर जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पीएस फर्स्ट व पीएस सेकंड के बीच की योज्य कड़ी है। अभी जैसे आपको बताया था कि अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलीकरण जो है उसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों भाग लेते हैं, लेकिन दोनों को आपस में जोड़ने का काम इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं वो कौन करता है, तो दोनों के बीच की जो योज्य कड़ी है वो है प्लास्टोसाइनिन, पीसी। पीसी जो है वो पीएस फर्स्ट और पीएस को दोनों को जोड़ता है, और जिससे अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलीकरण जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीएस फर्स्ट व पीएस सेकंड की योज्य कड़ी कहा जाता है किसको, प्लास्टोसाइनिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने पास है, C3 चक्कर में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है। C3 चक्कर क्या है, सबसे पहले तो ये अप्रकाशिक अभिक्रिया से संबंधित है, जिसमें प्रकाशिक अभिक्रिया में जो ऊर्जा की फॉर्मेशन की जाती है, ऊर्जा का जो निर्माण किया जाता है एटीपी के रूप में, एनएडीपीएच2 के रूप में, उस ऊर्जा का उपयोग जो है वो CO2 के अपचयन हेतु किया जाएगा। अपचयन का मतलब है इसमें हाइड्रोजन और जोड़ देंगे तो ये आगे चलकर ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपने को शर्करा का ही निर्माण करना है। तो उस प्रक्रिया में बनने वाला, C3 चक्कर में बनने वाला प्रथम जो उत्पाद है वो कौन सा है, तो प्रथम उत्पाद जो होता है वो होता है 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, और इसी कारण ये 3 कार्बन वाला उत्पाद है, इसी कारण इसको C3 चक्कर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो 15 नंबर अपने पास है, C3 चक्कर में CO2 ग्राही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, C3 चक्कर जो है अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या किया जाएगा, CO2 का अपचयन किया जाएगा। तो CO2 जब इस C3 चक्कर में प्रवेश करती है तो उसको सबसे पहले ग्रहण करने का काम, उस CO2 को ग्रहण करके अगला जो उत्पाद था अभी देखा था 3PGA, वो बनाने का काम कौन करता है, तो C3 चक्र पूछा है, तो C3 चक्र में CO2 को ग्रहण करने का काम RUBP द्वारा किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, CO2 ग्राही C3 चक्र में पूछ ले तो RUBP है, ठीक है, राइबुलोज 1,5-बाईफॉस्फेट। और अगर पूछ ले C4 चक्र में CO2 ग्राही कौन है, तो वहां आ जाएगा PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। C4 चक्कर जो है उसमें कौन ग्रहण करेगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और इसमें राइबुलोज 1,5-बाईफॉस्फेट ग्रहण करेगा CO2 को C3 चक्कर में। जब ये RUBP CO2 को ग्रहण करेगा और यहाँ बनाएगा, भी बताया था क्या, 3PGA बनाएगा, इस प्रक्रिया में एंजाइम जो काम आता है वो इससे मिलता जुलता ही है, उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। फिर से सुनिए, रूबिस्को क्या है, ये एक एंजाइम है, क्या करेगा, ये RUBP+ जो CO2 को ग्रहण करके कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, 3PGA। इसमें जो एंजाइम भाग लेता है इस प्रक्रिया में उसका नाम है रूबिस्को। और इधर देखिए,
इधर मैंने आपको बताया कि PEP फॉस्फो इनोल पायरुवेट ये ग्रहण करेगा किसको, CO2 को, और ये बनाएगा चार कार्बन वाला, क्योंकि यहाँ C4 चक्र है, तो चार कार्बन वाला जो उत्पाद बनता है, अगला क्वेश्चन भी अपना वो बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहाँ जो एंजाइम काम आता है उस एंजाइम का नाम है पेपको, फॉस्फो इनोल पायरुवेट कार्बोक्सीलेज, ये इसी से बना है पेप, पेपको, ये RUBP यहाँ से बना रूबिस्को, ठीक है, तो ये याद होने चाहिए कुछ क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, C4 चक्र में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है, तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, इसमें कार्बन की संख्या जो है वो चार होती है, इसलिए इस चक्कर को कहा जाता है C4 चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग। क्रेंज शारीरिकी, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि क्रेंज शारीरिकी होती क्या है, C4 प्लांट्स जो हैं उनमें पाई जाती है सबसे पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा C4 पादप। अब ये होती क्या है, C4 पादप जो होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषी जो कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं मीजोफिल सेल्स और दूसरी होती हैं बंडल शीथ सेल्स, ठीक है, तो इनके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होता है यानी कि जो सहमैन ऊतक होते हैं उनके चारों ओर ये जो दूसरे प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं हैं बंडल शीथ सेल्स, ये इस प्रकार माला रूपी में स्थित होती हैं, माला के आकार में इनके एक या दो स्तर पाए जाते हैं, और इन माला को जर्मन लैंग्वेज के अंदर क्रेंज कहा जाता है, और इसी कारण यहाँ से बना कि क्रेंज शारीरिकी जो है ये अब जो संरचना है ये C4 पादपों में पाई जाती है, तो इसी को क्रेंज बोलते हैं, और क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है C4 पादपों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, कैम पौधों के रंदर रात, पहला ऑप्शन रात में ओपन होते हैं दिन में बंद होते हैं, सेकंड कभी नहीं खुलते, थर्ड हमेशा खुले रहते हैं, फोर्थ है दिन में खुलते हैं रात में बंद होते हैं, तो ऐसे जो पादप होते हैं ये जीरोफाइटिक या मांसल पादप होते हैं जिनके रंदर जो हैं प्रकाश संश्लेषण कम हो, इसलिए दिन में तो हमेशा क्या रहते हैं, सॉरी ये नहीं आएगा, रात में ओपन होते हैं और दिन के समय क्या रहेंगे बंद, यानी दिन में बंद रहेंगे और रात के समय जो है वो क्या होंगे खुलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2 चक्कर का अध्ययन किया था, ये सिर्फ फैक्ट है, नाम याद रखना है आपको, C2 चक्कर की स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे डेकर व टीओ, C2 चक्कर के बारे में डेकर व टीओ ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो अपने पास है, प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन में श्वसन का आधार होता है, सबसे पहले तो प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन, जहाँ इसको जीवद्रव्य श्वसन भी कहा जाता है, तो प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन कह दे, जीवद्रव्य श्वसन कह दे, इसमें श्वसन का जो आधार होता है वो प्रोटीन होते हैं, यानी कि जब श्वसन की प्रक्रिया में प्रोटीन भाग लेता है तो ऐसा श्वसन जो है वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन। और यहीं आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर श्वसन आधार शर्करा शर्करा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, तो उस श्वसन को कहा जाता है प्लावी श्वसन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, यानी कि यहाँ पर ये पूछा जाता कि प्लावी श्वसन में श्वसन आधार होता है तो आंसर होता कार्बोहाइड्रेट, अपने से पूछा है प्रोटोप्लाज्मिक तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है, ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले तो पता होना चाहिए है क्या, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण किया जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस, और ये संपन्न होती है कोशिका के कोशिका द्रव्य में। अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ग्लाइकोलाइसिस से संबंधित एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, देखो जब प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न हो रही है ग्लाइकोलाइसिस, तो एंजाइम भी कहाँ से पाए जाएंगे, कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो अपने पास 22 नंबर है, ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन में सामान्य पथ है, यानी इनमें से वो अपने को पाथवे बताना है जो ऑक्सी श्वसन में भी होता है और अनऑक्सी में भी होता है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस जो है ये ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में कॉमन पाथवे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, देखो श्वसन की प्रक्रिया में जब ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न साइटोक्रोम से होता हुआ आगे बढ़ता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को जब वो अपनी ऊर्जा बिल्कुल खो चुका होता है तब उसको लास्ट में ग्रहण जो करता है वो है ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो आपसे पूछा जाए कि श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, तो श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है वो ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है, ठीक है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का संश्लेषण स्थल यानी ATP का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी,
एटीपी का निर्माण जो है, या तो ऑप्शन में मिलेगा आपको क्रिस्टी, और या मिलेगा भाई F1 कण। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में मिले, क्रिस्टी मिले, F1 कण मिले, तो दोनों नहीं मिलेंगे अलग अलग, ये मिलेंगे तो इसी प्रकार मिलेंगे, क्रिस्टी ऑब्लिक F1 कण, तो यहाँ पर एटीपी का संश्लेषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का शुद्ध लाभ है, यानी कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में। तो बच्चों सुनिए, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में एटीपी जो है वो बनते तो 4 एटीपी, या एटीपी की बात हो रही है, एनएडीएच2 की निर्माण की बात नहीं हो रही। 4 एटीपी बनते हैं, जिसमें से 2 एटीपी का ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में यूज कर लिया जाता है। तो अपने पास जो शुद्ध लाभ है वो होता है 2 एटीपी का। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, डी, 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोलाइसिस वह क्रेब्स चक्कर के बीच की योजक कड़ी है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये योजक कड़ी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, पीछे भी एक आया था जो प्लास्टोसाइनिन वाला, और ये फिर आया एक। ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है, लेकिन ये पायरुविक अम्ल सीधा क्रेब्स चक्कर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्कर में प्रवेश करने से पहले एसिटाइल को एंजाइम ए में बदलता है, और ये एसिटाइल को एंजाइम ए प्रवेश करता है क्रेब्स चक्कर में। तो ग्लाइकोलाइसिस में बना था पायरुविक अम्ल, क्रेब्स चक्कर में प्रवेश किया एसिटाइल को एंजाइम ए ने, तो फिर योजक कड़ी कौन हुआ? एसिटाइल को एंजाइम ए। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्कर के बीच की योजक कड़ी है एसिटाइल को एंजाइम ए। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेब्स चक्कर में 5 कार्बन वाला बनने वाला एकमात्र उत्पाद है, यानी क्रेब साइकिल जो होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो 5 होते हैं, वो सिर्फ एक ही उत्पाद बनता है 5 कार्बन वाला, और वो है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। यहाँ आपके 4-5 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं इस एक क्वेश्चन से। देखिए, मैंने आपको बताया कि 5 कार्बन वाला तो बनता ही एक है, तो वो तो है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। ये क्वेश्चन पूछ जाए, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 4 कार्बन वाला क्रेब्स चक्कर के अंदर बनने वाला प्रथम उत्पाद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सक्सिनिल को एंजाइम ए। फिर से सुनिए, 5 कार्बन वाला तो बनता ही एक है, तो उसका आंसर तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल है। अगर आपसे ये पूछे जाए कि 4 कार्बन वाला प्रथम उत्पाद कौन सा बनता है, तो वो है सक्सिनिल को एंजाइम ए। आपसे पूछ लिया जाए 4 कार्बन वाला अंतिम उत्पाद कौन सा होता है क्रेब्स चक्कर में, तो इसका आंसर है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, और आपसे पूछा जाए 6 कार्बन वाला प्रथम उत्पाद कौन सा बनता है, तो 6 कार्बन वाला जो प्रथम उत्पाद है वो है सिट्रिक अम्ल, और इसी के नाम पर क्रेब्स चक्कर को सिट्रिक अम्ल चक्कर भी कहा जाता है, क्योंकि प्रथम उत्पाद जो है वो 6 कार्बन वाला सिट्रिक अम्ल बनता है, इसलिए क्रेब्स चक्कर को सिट्रिक अम्ल चक्कर भी कहा जाता है। तो 4 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, 5 कार्बन वाला पूछे अल्फा कीटोग्लुटेरिक, 4 कार्बन वाला प्रथम पूछे सक्सिनिल कोएंजाइम ए, 4 कार्बन वाला अंतिम पूछे तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और 6 कार्बन वाला पहला पूछे तो सिट्रिक अम्ल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन अपना है, कोशिका की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहलाती है, कि कोशिका में जो ऊर्जा मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यानी कोशिका में कोई भी काम करना है तो ऊर्जा जिस रूप में वो खर्च करेगी वो एटीपी होती है। ठीक है, नेक्स्ट। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण के रसायन प्रसारणी सिद्धांत का प्रतिपादक, इफेक्ट वाला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलाइजेशन जो होता है उसकी कीमोऑस्मोटिक थ्योरी जो है, रसायन प्रसारणी सिद्धांत है, वो किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पीटर मिशेल ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास जो है, श्वसन एक क्रिया है। देखो, ऑप्शन उपचयी, अपचयी, ए व बी दोनों, और कोई नहीं। तो श्वसन जो है एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, उभयचयी प्रक्रिया है, जिसमें निर्माणकारी प्रक्रियाएं भी होती हैं जिसको उपचयी बोलते हैं, और इसमें विघटनकारी प्रक्रियाएं भी होती हैं जिसको अपचयी बोलते हैं। तो श्वसन जो है ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये उपचयी भी है और अपचयी भी है, या इसको ये भी कह सकते हो उभयचयी, एम्फीबॉलिक प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलीय बीजों में श्वसन गुणांक होता है, सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि श्वसन गुणांक, इसको आर क्यू कहते हैं, ये होता क्या है? आर क्यू या श्वसन गुणांक कहते किसको हैं? सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण की जब आप कोई समीकरण देखते हो तो इसमें
CO2 का उपभोग यानी कितने CO2 अणुओं का यूज किया गया है बटा में कितने O2 अणुओं का सॉरी कितने CO2 अणु जो है वो निकले हैं, मुक्त हुए हैं, मुक्त हुई CO2 का आयतन, उपभोग नहीं आएगा, विमुक्त आएगा यहाँ पर, ठीक है। CO2 जो विमुक्त कितने हुए हैं और कितने O2 अणुओं का यूज हुआ है, इनका जो रेशो है वो कहलाता है RQ, श्वसन गुणांक। और अपने को बताना है तेलीय बीजों, अब तेलीय बीज की बात आई, तेल की बात आई, तो इसका मतलब सिंपल सा ये किसका श्वसन गुणांक पूछ रहा है अपने से, वसा का। आपको ये कह दे सरसों के तेल बीजों का श्वसन गुणांक कितना है या अरंडी का पूछ ले, तो वसा से संबंधित है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वसा का जो श्वसन गुणांक होता है वो 1 से कम होता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो पहला हो जाएगा, ये लगभग 0.7 होता है। अब यहाँ से कई क्वेश्चन आपके कवर होने चाहिए। एक जो श्वसन गुणांक है ये शर्करा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। प्रोटीन जो है उनका भी 1 से कम होता है, रेंज होती है 0.7 से 0.9। 1 से अधिक होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का और इनका होता है 4.0। शून्य अगर बात आ जाए तो जो मांसल पादप हैं जिनके रंध्र जो हैं वो दिन के समय जो हैं वो बंद रहते हैं और रात्रि के समय खुलते हैं, तो वो CO2 का उनमें फॉर्मेशन ना होकर एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है मैलेट या मैलिकमल, तो उनमें CO2 0 होती है, जब ऊपर 0 आएगा तो फिर आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। प्रोटीन का RQ 0.7 से 0.9, कार्बोहाइड्रेट का 1, ठीक है, 1 से कम वसा का 0.7, 1 से अधिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का, और 0 किसका, जो मांसल पादप होते हैं, सरस पादप होते हैं, उनका 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे, तो ये फैक्ट है, स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने पास है, निम्न में से वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन नहीं है, बहुत ध्यान से सुन पढ़ना है इस क्वेश्चन को, यानी जो 4 आपको ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा वृद्धि प्रवर्धक नहीं है, तो ऑक्सिन वृद्धि प्रवर्धक है, जिब्रेलिन भी वृद्धि प्रवर्धक है, एब्सेसी कमल ABA ये वृद्धि निरोधक होता है, तो आंसर हो जाएगा एब्सेसी कमल, इथाइलिन भी वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होता है, यहाँ नहीं पूछा है तो आंसर हो जाएगा ABA एब्सेसी कमल, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सिन की खोज का श्रेय यानी ऑक्सिन जो हार्मोन है उसकी खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये जाता है FW वेंट को, ये फैक्ट है तो ये याद रखना है, ठीक है। पौधों में पाया जाने वाला प्राकृतिक ऑक्सीन है, यानी कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से 3 जो हैं वो संश्लेषित ऑक्सीन हैं जबकि 1 जो है वो प्राकृतिक है, तो वो होता है indole-3-acetic acid IAA, तो प्राकृतिक ऑक्सीन जो है वो है IAA, indole-3-acetic acid इसका पूरा नाम है, बाकी जो है BCD यानी IBA NAA और 2,4-D, ये सारे के सारे जो हैं ये कृत्रिम या संश्लेषित ऑक्सीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने पास है 36 नंबर, पौधों में शीर्ष प्रभाविता किस हार्मोन के कारण होती है, शीर्ष प्रभाविता का मतलब है कि जो शीर्ष भाग हैं उनमें एक ऐसा हार्मोन होता है जिससे पादप लंबाई में ज़्यादा वृद्धि करता है जबकि चौड़ाई में कम वृद्धि होती है, उसको शीर्ष प्रभाविता कहा जाता है और ये पाई जाती है पादपों में ऑक्सिन के कारण, ऑक्सिन के कारण, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि पादपों में शीर्ष प्रभाविता किस हार्मोन के कारण होती है, तो ये ऑक्सिन के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो 37 नंबर क्वेश्चन है, जड़ों के समारंभन के लिए किस ऑक्सीजन का सर्वाधिक उपयोग होता है, जड़ों का समारंभन क्या है कि मान लो आपको कोई कलम लगानी है, अगर आप उस कलम को किसी ऑक्सीजन में डिप करके लगा दोगे तो जड़ों की फॉर्मेशन उसे जल्दी हो जाती है, तो वहां पूछा है कि जड़ों के समारंभन के लिए किस ऑक्सीजन का, यानी कि 4ों ही ऑक्सीजन है इनमें से कौन से ऑक्सीजन का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा IBA indole-butyric acid, इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है जड़ों के समारंभन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, घास खरपतवारों यानी कि जो एक बीजपत्री खरपतवारें हैं उनका खरपतवार नाशी के रूप में किसको उपयोग किया जाता है, तो 3 ऑप्शन है और 4था उपयोग सभी है, तो इनमें से जो ऑप्शन है सही राइट है एक बीजपत्री के लिए वो है डेलापेन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है आपको, एक बीजपत्री के लिए पूछ लिया जाए तो डेलापेन इसका आंसर आएगा, ठीक है। और इसका आपको जो डेलापेन है इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद होना चाहिए साथ में, डेलापेन को 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेनिक अम्ल भी कहा जाता है, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में डेलापेन ही मिले, आपको 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेनिक
क्लोरो प्रोपियोनिक अम्ल, ये भी मिल सकता है ऑप्शन में। तो ये तो है एक बीज पत्री खरपतवारों के लिए। अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाए चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारें जो होती है, या द्विबीजपत्री खरपतवारों के लिए क्वेश्चन में आ जाए, तो उसका आंसर जो है वो हो जाएगा 2,4-D और 2,4-5-T। तो इन दोनों का उपयोग जो है वो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो अपना है, चावल या धान के बेकने रोग का कारण है। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि बेकने रोग होता क्या है, कि पादप जो है वो लंबाई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है चावल का, जबकि उस पर पुष्प नहीं होता, यानी पुष्प नहीं लगते, तो उसका रोग का जो कारण है वो कौन सा है, ये पूछा गया अपने से। तो ये है जिबरेलिन के कारण। ठीक है, मूर्ख नवोदबीज रोग भी कहते हैं इसको चावल का, जिसमें चावल के पादप जो है लंबाई में ज़्यादा बढ़ जाते हैं लेकिन उन पर फ्लावरिंग जो है पुष्पण नहीं होता। ठीक है, जिबरेलिन इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजेट, रोजेट से होता है जो बौने पौधे होते हैं उनके पादपों में बोल्टीकरण, बोल्टीकरण का मतलब होता है दीर्घित पर्ण रहित पर्वों का निर्माण करना। दीर्घित यानी लंबे पर्ण रहित पर्वों की फॉर्मेशन जो है इसको कहा जाता है बोल्ट, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है बोल्टीकरण। यानी इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो दीर्घित पर्ण रहित पर्वों के निर्माण को प्रेरित करता है, उसी को कहते हैं बोल्टीकरण की प्रक्रिया। तो इसका आंसर भी जो है वो हो जाएगा जिबरेलिन। जिबरेलिन जो है वो रोजेट्स बाब के पादपों में, यानी पादप की हाइट बढ़ाने के लिए पर्व रहित जो दीर्घित पर्व हैं उनका निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन है, यानी प्रथम साइटोकाइनिन कौन सा है जो प्राकृतिक रूप से पाया गया है। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जियाटीन। इसको मक्का जो है उसके भ्रूण पोस्ट से अलग किया गया था, यानी कि जो मक्का का एंडोस्पर्म होता है उससे अलग किया था। साइंटिस्ट जो थे वो थे लेंथम व मिलर, इन दोनों ने अलग किया था, और जियाटिन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचमोंड लैंग प्रभाव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि रिचमोंड लैंग प्रभाव होता क्या है। रिचमोंड लैंग प्रभाव है कि साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण जो पादपों में जीर्णता है, विलगन की प्रक्रिया है, जो पत्तियां टूटना, फलों का गिर जाना, इसको जीर्णता बोलते हैं, यानी पादप का बूढ़ा हो जाना, उसमें साइटोकाइनिन के प्रभाव से देरी लाई जा सकती है। यानी जीर्णता को, बुढ़ापा आने को ये देरी में कहलाता है, यानी पादप को ये जवान बनाए रखने में हेल्प करता है, एक तरह से ये कह सकते हो। तो जीर्णता के विलंब प्रभाव को, यानी कि जिसमें बुढ़ापा जो है वो पादप में लेट आए, उस प्रभाव को कहा जाता है लिचमोन लैंग प्रभाव। ठीक है, और इसके लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, पुष्पों में मादापन प्रभाव को प्रेरित करता है, यानी कि मादा पुष्पों के निर्माण को प्रेरित करता है किसी पादप में, वो है इथाइलीन। इसका ऑप्शन हो जाएगा इथाइलीन। इथाइलीन के बारे में ये भी याद रखना कि ये एकमात्र गैसीय हार्मोन है, बाकी जो हार्मोन पढ़े आपने वो द्रवीय फॉर्म के अंदर है, और ये एकमात्र जो है वो गैस के रूप में मिलने वाला हार्मोन है। इसी से एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसे पौधे जिनमें जब फल पकते हैं उस समय इथाइलीन की फॉर्मेशन होती है, उन फलों को कहा जाता है क्लाइमेक्टेरिक फल। फिर से, ऐसे फल जिनमें इथाइलीन की फॉर्मेशन होती है पकने के समय उनको कहा जाता है क्लाइमेक्टेरिक फल। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप इससे आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो गए होंगे, और आपको अगर आपने वीडियो ये पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखा है तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।